Hello students, how are you? I am back with my next video for class 9. Today I am going to take poetry section of your class from the book Beehive. I am going to explain you the poem The Road Not Taken. First I will give you its introduction, then I will tell you its summary. And then you have to write the summary in your notebook. I will tell you else what to do. First I will tell you the introduction of the story of the poem The Road Not Taken. You can read out this poem from your book Beehive. The road not taken. In this poem, the poet symbolizes our life. The poet says that the path we don't choose in our life is the road not taken. The important message that the poet wants to give us is that he never, the choice that we make has an impact on our future. And if we make wrong choice, we can only regret but can't go back. तो ये जो poem है The Road Not Taken, ये Robert Frost के द्वारा लिखी गई है. और इस poem में वो ये बताते हैं कि हमारी life में हमें कोई ना कोई choice मिलती रहती है. तो ये हमारे ऊपर depend करता है कि हम कौन सी choice लेते हैं. ये जो पोएम है द रोड नॉट टेकन उस इस पर डिपेंड कर उस चॉइस के बारे में बताती है जो हमने नहीं ली. तो कहता पोएट कहता है कि हो सकता है कि जो हमने चॉइस ली हो वो शुरुआत में अच्छी हो, आगे जाके जो है थोड़ा दुख हो, लेकिन उस समय पे हम केवल दुख प्रकट कर सकते हैं, हम उसे बदल नहीं सकते. वो स्टेज आ जाती है जब हम अपनी चॉइस को बदल नहीं सकते. और इसी बात को दर्शाती हमारी पोएम द रोड नॉट टेकन. द पोएट केप्ट ऑन लुकिंग वन पाथ फॉर अ लॉन्ग टाइम टू चेक इफ इट इज द राइट पाथ फॉर हिम और नॉट, एंड देन ही डिसाइडेड एंड स्टार्टेड वॉकिंग ऑन द अनदर पाथ बिकॉज ही फेल्ट दैट द पाथ बोथ पाथ्स वर इक्वली गुड. तो यहाँ पे पोएट जो है एक डाइवर्जन पे खड़ा हुआ है जिसके सामने उसके सामने जो है दो रोड्स जा रही हैं और दोनों रोड में से वो ये डिसाइड करना चाहता है, वो ये चूज़ करना चाहता है कि वो कौन सी रोड ले. दोनों ही अच्छी हैं, दोनों ही हरी भरी हैं, दोनों ही रास्ते उसके लिए साफ सुथरे से हैं. तो वो थोड़ा सा यहाँ पर आके कन्फ्यूज्ड है. ही सेज जस्ट एज फेयर ही फेल्ट दैट द पाथ दैट ही हैड चोजन इज मच बेटर दैन द अदर. अब जब उसने एक रोड चॉइस कर ली है, चूज़ कर ली है, तो वो ये कह रहा है कि जो उसने अभी वो उसका शुरुआती दौर है, जो उसने रोड चूज़ करी है वो बेटर है, वो उससे बेटर है जो उसने रोड जो है चॉइस नहीं करी है. द रीज़न वॉज दैट नॉट मच पर्सन हैड वॉक्ड ऑन दिस पाथ अर्लियर. वो उसका ये भी रीज़न बताता है, जो उसने रोड जो है चॉइस करी है वो उसका रीज़न ये बताता है कि वो अच्छी इसलिए है क्योंकि वहाँ पे कदमों के निशान कम है, यानी कि बहुत कम लोगों ने उस रोड को चूज़ किया हुआ है. ही वॉक्स लिटिल फार ऑन द रोड एंड रियलाइज दैट द बोथ द रोड्स हैव बीन वॉर्न आउट द सम वे. अब थोड़ी सी आगे जाके और वो देखता है कि किसी न किसी तरीके से आगे जो है उस रोड पे कदमों के निशान बढ़ते जा रहे हैं या उधर भी बढ़ते जा रहे हैं. तो उसके लिए अब वो दोनों रोड जो है सेम हो गई है कि दोनों जो है इक्वल ही तरीके से यूज़ हुई हैं. दस बोथ द पाथ्स वर सिमिलर एंड वॉर्न आउट. इवन इन आवर लाइफ वी टेक एनी पाथ और ऑप्शन but all of them have the some benefits, disadvantage, problems, challenges, and we must face them. We must face them. तो जो ऐसा बात नहीं है कि हर अब हमारे सामने जितने मर्जी ऑप्शन आते हैं, जो मर्जी आते हैं, तो हर एक चीज़ में आगे शुरुआत में हो सकता है अच्छे हो, आगे जाके उसमें प्रॉब्लम्स आ जाएँ, या फिर पहले प्रॉब्लम आए बाद में जाके वो अच्छा हो जाए. ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा ऑप्शन चूज़ करते हैं. लेकिन कोई सा भी ऑप्शन हम चूज़ कर ले, हर ऑप्शन में चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स, डिसएडवांटेजेस, बेनिफिट्स सब कुछ आते हैं. बस हमें वो करेज होना चाहिए उसे फेस ऑफ करने का. वी थिंक दैट वी आर चूजिंग अ बेटर ऑप्शन बट वी आर नॉट राइट एवरी टाइम.
हमें हर बारी लगता है कि जो हमने ऑप्शन चुना है वो सही है, लेकिन हर बारी वो सही हो ये ज़रूरी नहीं है. सो वेन एवर वी हैव सम ऑप्शन चॉइस और अ पार्ट टू चूज वी शुड थिंक ओवर इट अगेन एंड अगेन. तो जब हमारे सामने कोई भी ऑप्शन आता है, कोई भी ऐसा रास्ता आता है, जब हम किसी दोराहे पे खड़े हो जाते हैं, तो हमें उसके बारे में दोबारा सो उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, फ्यूचर, थोड़ा ये सोच के हमें अपने चॉइस को सामने रखनी चाहिए. बिकॉज इन द कमिंग फ्यूचर वी कैन ओनली रिग्रेट फॉर इट बट कांट चेंज एंड टेक अनदर ऑप्शन. तो क्योंकि हो सकता है कि शुरुआती दौर में जो हमने ऑप्शन चुना वो बढ़िया हो, लेकिन आगे जाके वो बढ़िया हो ये ज़रूरी नहीं है फ्यूचर में. तो हम उस समय पे जब वो हमारे लिए अच्छी नहीं है, हम केवल उसके लिए रिग्रेशन फील कर सकते हैं, हम उसे चेंज नहीं कर सकते. तो दुख प्रकट करने से पहले जो है, या तो हमें उसे फेस ऑफ करने की हिम्मत होनी चाहिए, या फिर हमें अपने ऑप्शन पे पहले बहुत गहराई से विचार करना चाहिए. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव लाइक्ड माई एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन. एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू राइट द समरी with the introduction in your notebooks and do the textbook question answers of this chapter. And in my next video, I will tell you about the writing skills in grammar. Thank you and bye.